दिल्ली में जहां पर मोदी जी ने भारत मंडपम बनाया इतना बड़ा, जहां पर पूरी दुनिया के लोग आकर के अब वहां पर मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके सामने भैरव मंदिर है। भैरव मंदिर के सामने 6 अक्टूबर 2016 को अंतिम अटैक मेरे ऊपर हुआ था, और उसके बाद मैं समझता हूं कि अब मैं भी सतर्क हूं। जिसने करवाया था सर वो आप सब जानते हो। अब जो है उनका इलाज जनता करेगी, मैं नहीं करूंगा, ऊपर वाला करेगा। उनका इलाज तो कर दिया, 10 की 10 पिछली बार उन्होंने उनकी खागे थे, और इस बार भी ना तो अभी खाते खुलेंगे और ना आगे खुलेंगे साथियों। तो इस तरह का जब दुष्प्रचार चलता है तो मैं साथियों से कहूंगा, मैं सोशल मीडिया और हमारे जो इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं भाई, आप जो है गलत तरीके से प्रचार मत करिए। आप सच्चाई को सच्चाई दिखाइए, हमें कबूल होगा, लेकिन आप झूठा प्रचार मत करिए किसी भी चीज का। ये पूरे उसमें दिखा देना, और उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, सबके हैंडलों ने दिखाया, लाखों लाखों फॉलोवर है उनके, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई ये ऐसा हो गया। तो मैं भी शाम को पहुंच गया, मेरे को भी कानून का कुछ दांव पेच आता है, मैंने भी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करी इलेक्शन कमीशन में। भैया हमने तो पूरा पक्का इंतजाम कर दिया कि जो जो ऐसा दुष्प्रचार करते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए बराबर है। मैं पार्टी का प्रत्याशी, और मैं नहीं, किसी भी दूसरी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी है, उसको प्रचार करने का यह बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, यह बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, और उसके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सब अपनी बात अपने अपने तरीके से रखें, लेकिन कोई किसी के बात करने के अधिकार को, जो हमारी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, उसके ऊपर कोई हनन नहीं कर सकता। तो हमने कंप्लेन करी, और मुझे पूरा यकीन है कि जो कानून है, जो न्याय है, वो हमें भी मिलेगा, कानून अपना पालन करेगा। और जो लोग हैं जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी से बौखला गए, अरे कैंडिडेट दौरे मैदान में आए, वो आकर के कहे भाई कि अशोक तंवर, अरे हम चुनौती देते हैं भाइयों, आओ मैदान में अपना सबसे बेहतरीन उम्मीदवार लेकर के आओ। अगर कम से कम 6 लाख वोट थे इन लोगों ने, और ये सिरसा पार्लियामेंट की जनता ने ना हारा, तो हमें कहना। क्योंकि तो हमारी कालावाली के अंदर रैली हो रही थी सर, और कालावाली की रैली हो रही थी, आपकी रैली से, मीनू बेनीवाल जी की ज्वाइनिंग से लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी जो कई 3-4 साल पहले किसी नेता के ऊपर अटैक हुआ था वो डाल दी, और बोले कि भाई ये जो अंधभक्त है अशोक तंवर भाई बुद्धि विवेक से काम करना जानता, PhD डॉक्टर है, ये अंधभक्त नहीं है भाई, ऐसे ही हम नहीं आए, ऊपर वाला लेके आया। और मैं समझता हूं कि मोदी जी और मनोहर लाल जी के कार्य लेकर के हमें यहां पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो क्या हाल कर दिया, वीडियो चला दी मेरी, तो कई करोड़ रुपए की फ्री की पब्लिसिटी कर दी। वैसे मैं बताऊं तमिलनाडु में भी छपवा दिया, मेरे को सब जगह छपवा दिया, और रात को फिर मेरे पास सब फोन आने लग गए पूरे देश से कि भाई ठीक है, मैंने कहा जी ठीक हूं। मैंने कहा कि भाई मेरे ऊपर एक ही बार अटैक हुआ आज तक जीवन में, और वो भी धोखे में अटैक हो गया, क्योंकि मैं तो पार्टी का लोयल सिपाही था। 90% सड़कें बिल्कुल चकाचक हैं, फतेहाबाद की नई सड़कें बनी है, ये इस बात का प्रतीक है कि विकास की रफ्तार फतेहाबाद से लेकर के पूरे सिरसा संसदीय क्षेत्र, हरियाणा और इस देश के अंदर बहुत तेजी के साथ मनोहर लाल जी नायब जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से काम चल रहा है। अभी हम देख रहे थे आज कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें देश ने तरक्की ना करी हो, लाखों लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है, बड़े बड़े नए नए हाईवे निकालने के लिए, बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, और इसी तरीके से आज देश ने अगर आर्थिक तौर पर देखें, मोदी जी का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्ष के अंदर हम इस भारत वर्ष को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 2047 तक यह भारत विकसित भारत हो, और विकसित भारत का मतलब आप समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति को उसका जीवन स्तर उतारने के लिए गली नाली से लेकर के बुजुर्गों को पेंशन से लेकर के उनका स्वास्थ्य, उनकी बच्चों की शिक्षा, 140 करोड़ लोग हर तरीके से आगे बढ़ेंगे, यह विकसित भारत का दृष्टिकोण है। विकसित भारत के अंदर उद्योग से लेकर के कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहेगा जो पीछे रहेगा। तो मैं तो साथियों से यही आह्वान करूंगा कि आप
देखिए 2014 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम मापते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था कहां जा रही है, वो 25,000 का आंकड़ा छूता था। 10 वर्षों के अंदर आज वो 3 गुना बढ़कर के 75,000 करोड़ हो गया। ये आज मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व है, आज ये उनका संकल्प है, आज पूरी दुनिया उनके ऊपर विश्वास कर रही है। G20 कोई ऐसे नहीं हो जाता, पूरी दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देश मुख्यमंत्री जी यहां पर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उस समय जब ये मुख्यमंत्री जी थे तो लगातार कितनी मीटिंग है गुड़गांव हरियाणा के अंदर हुई। देश का कोई ऐसा कोना नहीं हुआ जहां पर जाकर के नहीं तो एक केवल हम हमारे देश की राजधानी लोग दिखाते हैं और उसके बाद वापस भेज देते हैं। तो साथियों, और आज भी मोदी जी से मिलने के लिए जो वहां के अमेरिकन एक बहुत बड़े नेता पहुंचे हैं, अभी मैं देख रहा था न्यूज के अंदर ब्रैड शेरमैन, और वो कह रहे थे कि मोदी जी क्या है, फेस ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि विकास का चेहरा है दुनिया के सामने। और साथियों, उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर जिनसे मजबूत रिश्ते हमारे होने चाहिए थे, जिन मुल्कों से, उनके साथ मजबूत रिश्ते करे, और जहां पर चुनौती देनी चाहिए थी, चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी दूसरा मुल्क हो, उनको उसी तरीके से मजबूती से जवाब दिया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे किसी भी तरीके से हम बात करें। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी ने अपनी बात यहां पर रखनी है। मैं इतना ही कहूंगा साथियों कि आज ये अशोक तंवर, आप सबके आशीर्वाद से, नेतृत्व का तो आशीर्वाद मिला ही मिला है, लेकिन आपका भी आशीर्वाद मिला है, नरेंद्र मोदी जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट देकर के आपके बीच में भेजा है, ये आपकी टिकट है, या अशोक तंवर की टिकट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में किसी एक के कहने से टिकट नहीं मिलती, या तो जो जनता चाहती है उसके ऊपर नेतृत्व मोहर लगाता है। आज नेतृत्व ने मोहर लगा करके ये जो कमल का निशान दिया है, इस कमल के निशान को, इस कमल को इतना बढ़िया से खिलाइए कि पूरे देश के अंदर चर्चा हो। आज आपकी ये जो सीट है सिरसा पार्लियामेंट, मैं आदरणीय मनोहर लाल जी और आप सबको भी बताना चाहूंगा, कल हमारी कालावाली के अंदर रैली हो रही थी सर, और कालावाली की रैली हो रही थी, आपकी रैली से, मीनू बेनीवाल जी की ज्वाइनिंग से लोग इतने परेशान हो गए कि उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी जो कई 3-4 साल पहले किसी नेता के ऊपर अटैक हुआ था वो डाल दी और बोले कि भाई ये जो अंधभक्त है अशोक तंवर भाई बुद्धि विवेक से काम करना जानता, PhD डॉक्टर है, ये अंधभक्त नहीं है भाइयों, ऐसे ही हम नहीं आए, ऊपर वाला लेके आया, और मैं समझता हूं कि मोदी जी और मनोहर लाल जी के कार्य लेकर के हमें यहां पर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो क्या हाल कर दिया, वीडियो चला दी मेरी, तो कई करोड़ रुपए की फ्री की पब्लिसिटी कर दी, वैसे मैं बताऊं तमिलनाडु में भी छपवा दिया, मेरे को सब जगह छपवा दिया, और रात को फिर मेरे पास सब फोन आने लग गए पूरे देश से कि भाई ठीक है, मैंने कहा जी ठीक हूं, मैंने कहा कि भाई मेरे ऊपर एक ही बार अटैक हुआ आज तक जीवन में, और वो भी धोखे में अटैक हो गया, क्योंकि मैं तो पार्टी का लोयल सिपाही था दिल्ली में जहां पर मोदी जी ने भारत मंडपम बनाया इतना बड़ा, जहां पर पूरी दुनिया के लोग आकर के अब वहां पर मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके सामने भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर के सामने 6 अक्टूबर 2016 को अंतिम अटैक मेरे ऊपर हुआ था, और उसके बाद मैं समझता हूं कि अब मैं भी सतर्क हूं, जिसने करवाया था सर वो आप सब जानते हो, अब जो है उनका इलाज जनता करेगी, मैं नहीं करूंगा, ऊपर वाला करेगा, उनका इलाज तो कर दिया 10 की 10 पिछली बार उन्होंने उनकी खागे थे, और इस बार भी ना तो अभी खाते खुलेंगे और ना आगे खुलेंगे साथियों। तो इस तरह का जब दुष्प्रचार चलता है तो मैं साथियों से कहूंगा, मैं सोशल मीडिया और हमारे जो इन्फ्लुएंसर जो कहते हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं भाई, आप जो है गलत तरीके से प्रचार मत करिए, आप सच्चाई को सच्चाई दिखाइए, हमें कबूल होगा, लेकिन आप झूठा प्रचार मत करिए किसी भी चीज का, ये पूरे उसमें दिखा देना, और उसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनेलो, सबके हैंडलों ने दिखाया, लाखों लाखों फॉलोवर है उनके, और उन्होंने दिखा दिया कि भाई ये ऐसा हो गया। तो मैं भी शाम को पहुंच गया, मेरे को भी कानून का कुछ दांव पेच आता है, मैंने भी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करी,
इलेक्शन कमीशन में भैया हमने तो पूरा पक्का इंतजाम कर दिया कि जो जो ऐसा दुष्प्रचार करते हैं कानून सबके लिए बराबर है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबके लिए बराबर है। मैं पार्टी का प्रत्याशी और मैं नहीं, किसी भी दूसरी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी है उसको प्रचार करने का यह बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, यह बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। और उसके माध्यम से हम यही कहना चाहेंगे कि सब अपनी बात अपने अपने तरीके से रखें, लेकिन कोई किसी के बात करने के अधिकार को, जो हमारी फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है, उसके ऊपर कोई हनन नहीं कर सकता। तो हमने कंप्लेन करी और मुझे पूरा यकीन है कि जो कानून है, जो न्याय है, वो हमें भी मिलेगा, कानून अपना पालन करेगा। और जो लोग हैं जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी से बौखला गए, अरे कैंडिडेट दौरे मैदान में आए, वो आकर के कहे भाई कि अशोक तंवर, अरे हम चुनौती देते हैं भाइयों, आओ मैदान में अपना सबसे बेहतरीन उम्मीदवार लेकर के आओ। अगर कम से कम 6 लाख वोट थे इन लोगों ने और ये सिरसा पार्लियामेंट की जनता ने ना हारा तो हमें कहना, क्योंकि हमें यकीन है कि काम किया है और आगे काम करेंगे और 4 जून को 400 पार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।